शारिया, मैं वो सॉरी। नहीं माँ, सॉरी से काम नहीं चलेगा, मुझे जवाब चाहिए। इतने सालों तक जो आपने मुझसे झूठ बोला ना, उसका जवाब। शौर्य, माँ को अपनी बात कहने का मौका तो दो। महक, इनके वुंड्स की ड्रेसिंग के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा मुझसे छुपा के रखा, क्यों किया आपने ऐसा? हाँ, क्यों किया आपने ऐसा मॉम? बेटा, हर बात समझाना इतना आसान नहीं होता है। मैं तुझे बताना चाहती थी, लेकिन लेकिन क्या? मुझे बताना जरूरी नहीं समझा आपने, है ना? इतनी इतनी सेल्फिश हो गई आप। शौर्य, आके कुछ भी बोलोगी क्या? माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझी? मुझे तो है ना, नानी कैसी? अच्छे से खाना पीना नहीं मिलने के कारण थोड़ी कमजोर है, लेकिन ठीक हो जाएंगी। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। तो
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई, तुम्हारा नाक नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी